हेलो फ्रेंड्स, ये वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं अब थर्ड लेक्चर का इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले कि इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहले टू बिकम फैमिलियर विद द प्रेवलेंस ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब का जो किस तरह से हम लोग की ज़िंदगी में ये लोग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना। टू बिकम फैमिलियर विद द एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो कहाँ कहाँ इनके इम्पॉर्टेंस यूज़ है, उसके बारे में इसमें डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले इसमें जो डिस्कशन किया गया था, सबसे पहले एक टाइमलाइन की यहाँ बात की गई है, जो देख सकते हैं इसमें कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ, एज ऑफ अर्थ, जो अर्थ जो बना है हमारा वो 4.5 बिलियन ईयर्स है। 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ अपीयर, जो सबसे पहले जो स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ये सबसे पहले धरती पे 3.8 बिलियन ईयर्स पहले अपीयर हुए थे। 500 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट्स एंड एनिमल अपीयर, सो जो भी लाइफ अपीयर हुई थी वो पानी के अंदर हुई थी, पानी समुद्र में। लेकिन 500 मिलियन साल पहले जो है प्लांट्स और एनिमल जो है सरफेस पे वो अपीयर हुए थे। उसका 200 मिलियन ईयर्स अगो मैमल्स आए थे, मैमल्स इस समय ह्यूमंस नहीं थे यहाँ पे, ये मैमल्स की बात की गई है, मैमल्स जैसे काऊ और डॉग ये सब हो गए। उसके बाद हो गया 60 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, तो डायनासोर गो एक्सटेंट। तो हम सभी लोग डायनासोर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि डायनासोर्स काफ़ी बड़े बड़े छिपकली टाइप के जानवर होते थे, जो कि पहले धरती पे पाए जाते थे, लेकिन किसी वजह से वो इस धरती से लुप्त हो गए, तो वो 60 मिलियन ईयर्स पहले वो गायब हो गए। उसके बाद 200,000 साल पहले 200,000 ईयर्स बिफोर होमो सेपियंस, तो ये होमो सेपियंस मतलब यहाँ पे इंसान जो है प्रेजेंट फॉर्म वाले, जो बंदर के कह सकते हैं जो जिनके पूर्वज हैं वो अपीयर हुए थे, वो जो धीरे धीरे आज के समय प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स में परिवर्तित हो गए। तो सबसे पहले कि हम लोग इनकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धरती का लाइफ साइकिल जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस मामले में, कि सबसे पहले जो कोल और पेट्रोल ये सब आए कहाँ, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है, जो हज़ारों साल पहले जो पेड़ पौधे जो जानवर थे वो किसी वजह से दब गए, मर गए, उसके बाद वही सब जो थे वो सब ज़मीन में ड्यू टू प्रेशर और हीट की वजह से वो वही सब जो है वो एक कार्बन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम लोग कोल और पेट्रोल, जो भी सॉलिड पार्ट था वो कोल बन गया, जो भी लिक्विड पार्ट था वो पेट्रोलियम बन गया, और जो गैसियस पार्ट है वो नेचुरल गैस बन गया, जो अक्सर हम सुनते हैं कि नेचुरल गैस हम लोग मिलता है जो, ठीक है, तो आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 347 AD इन एनोडमनी, तो मतलब कि चीन में सबसे पहला जो है वो तेल के कुएं मिले थे, ऑयल फील्ड्स जो है 347 AD। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाले होते ये पॉइंट। उसी तरह 1859 फर्स्ट मॉडर्न ऑयल वेल, ड्रेक ऑयल वेल US में मिला था। तो मॉडर्न ऑयल वेल क्या होता है, मॉडर्न ऑयल वेल मतलब आज के प्रेजेंट टाइम में जो जैसे हम लोग जानते हैं खनन होता है, जैसे ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में, इराक में अक्सर देखें तेल के कुएं होते हैं, वहाँ से उन लोग ड्रिल करते हैं, वहाँ से तेल निकालते हैं, फिर उसे प्रोसेसिंग करके फिर हमें मार्केट में दिया जाता है, तो मार्केट में हम लोग खरीदते हैं। उसी तरह जो फर्स्ट ऑयल वेल है वो यहाँ पे US में मिली थी 1859। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मॉडर्न वेल कहाँ ढूंढा जाता, तो ये US में मिला था ड्रेक ऑयल वेल, और ये है 1859, मतलब कि आज से 200 साल, लगभग 200 साल के अंदर ही है, विद इन टू लगभग 150 साल हम लोग मान सकते हैं, तो एक ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर उसके बाद बात आती है कंट्रोल ऑफ एनर्जी एंड इट्स सप्लाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये कैसे इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि जो एक बैरल की कीमत है, एक बैरल का जो वैल्यू वॉल्यूम होता है वो होता है 159 लीटर क्रूड ऑयल, मतलब एक बैरल में 159 लीटर्स ऑफ पेट्रोलियम आता है। तो अक्सर हम लोग सुनते होंगे न्यूज़ में कि आज पेट्रोल के दाम जो है, कच्चे तेल की दाम प्रति बैरल $5 या $6 बढ़ गए,
तो बैरल का यहाँ मतलब होता है 159, मतलब कह सकते हैं 160 लीटर होता है एक बैरल क्रूड ऑयल। क्रूड ये कच्चा तेल है, अभी ये डायरेक्टली यूजेबल नहीं होता है, इसको प्रोसेसिंग किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, उसके बाद ये यूजेबल होता है। जैसे क्रूड ऑयल जो होता है उसका जो कीमत होती है 50 से 100 यूएस डॉलर्स होती है, वे एक यूएस डॉलर इस समय मान लेते हैं कि 70 रुपये के करीब है भारतीय रुपयों में। तो अगर इसमें देखा जाए तो 70 रुपये जो है भारतीय रुपयों में एक डॉलर की कीमत हो गई है, तो अगर 100 डॉलर मानते हैं 100 यूएस डॉलर तो इसकी कीमत हो जाएगी 7000 रुपये भारतीय रुपयों में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 से 100 मतलब कि, तो ये तेल का जो दाम है ये काफ़ी सस्ता है इंटरनेशनल मार्केट में एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग ख़रीदते हैं। ऐसा क्यों है? तो हम लोग अक्सर जानते हैं कि दो कारण से होता है, एक प्रॉफिट एक पॉलिटिक्स। प्रॉफिट और पॉलिटिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है, जो तेल बेचने वाली कंपनियां होती हैं वो प्रॉफिट बहुत हाई रखती हैं अपना, प्रोसेसिंग करने के बाद भी अगर मानते हैं कि जो कच्चे तेल की कीमत होती है लगभग 40 से 45 रुपये या 50 रुपये मान लेते, अधिकतम 50 रुपये पड़ती है, लेकिन जो हम लोग इंडियन जो हैं जो मार्केट में खरीदे जाते हैं वो लगभग 60 से 70 रुपये या कभी 70-80 रुपये तक मिलता है पेट्रोल पर लीटर। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉफिट, दूसरा पॉलिटिक्स। तो प्रॉफिट की पहली बात करेंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है आजकल हर एक इंडियन की पहली नीड हो गया है, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो बढ़ते हैं उससे हम लोग देखें अक्सर कि जो सभी लोगों के पास बाइक है कार है तो उसमें जो पेट्रोल डलवाते हैं, अगर बिना पेट्रोल का तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो मतलब वो एक आपका अल्टीमेट नीड है, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना बाइक के आप कोई काम यहाँ वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ आपका एक अल्टीमेट नीड है, तो वहाँ अगर उसका दाम हाई रखेंगे तो कंपनीज को बहुत प्रॉफिट होगा। दूसरी बात है पॉलिटिक्स। अक्सर हम लोग देखें अभी जीएसटी काफ़ी नाम सुना है, तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं लाया गया, बाकी सभी प्रोडक्ट्स को ले आया गया, तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई भाई ऐसा क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 50 रुपये लीटर भी मान लेते हैं जो प्रोसेसिंग है, 50 रुपये लीटर पड़ रहा आफ्टर प्रोसेसिंग, जो पेट्रोल हम लोगों यूज़ करते हैं उसकी असल जो वैल्यू हो गई कच्चे और प्रोसेसिंग करने के बाद वो 50 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लेते हैं हम लोग इसमें कि 5 रुपये तक मान लेते हैं, तो 55 रुपये पड़ा, 2 रुपये या 3 रुपये मान लीजिए 5 रुपये हम लोग मान लेते हैं प्रॉफिट टू द कंपनीज, तो 60 रुपये पड़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों को बाज़ार में ये 70 रुपये कभी 75 रुपये या फिर 80 रुपये भी मिलता है, ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है ना 10 से 15 रुपये जो बढ़ रहा है, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स वसूल रही है जिसको हम लोग वैट वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, केंद्र सरकार अपना वहाँ पे कर रही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होता है, तो वो जो गवर्नमेंट इस टैक्स को वसूलती है, गवर्नमेंट की बहुत जो बहुत ज़्यादा इसमें कमाई होती है, इस वजह से पेट्रोल, और दूसरी बात है कि हाई प्राइस रहेगा तो लोग कम यूज़ करेंगे, तो ये भी एक सोच है गवर्नमेंट की, इसीलिए वो कभी भी इसको पेट्रोल के दाम कम नहीं करते। अगर इंटरनेशनल की मार्केट में भी अगर इसके दाम गिर गए तभी भी वो ज़्यादा कम नहीं होता है, हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, इसकी वजह है कि टैक्स है या प्रॉफिट है उसको ही ऊपर नीचे कर दिया जाता है, तो हम लोग को एक ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि 70-75 रुपीस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली मिलता है इन केस, और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है इंटरनेशनल मार्केट में तो हम लोगों से अधिक दाम वसूला जाता है, कम नहीं किया जाता, तो ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं समस्या है और बहुत बड़ा खेल है पेट्रोल का। खैर तो यहाँ पे हम पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, खैर अब आगे बताते हैं कि ये कैसे बनता है,
एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई क्रूड ऑयल कैसे बनता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ अपीयर प्लांट्स एंड एनिमल अपीयर, तो 500 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये जो 500 साल पहले था, जैसे कि अक्सर देखते थे कि जो अर्थक्वेक आया, जैसे भूकंप आया, बाढ़ आई, तो इसकी वजह से जो पेड़ पौधे या जानवर थे वो मर गए, तो वो ज़मीन में रहते थे, फिर वो दब जाते थे ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर दब जाते थे तो उसकी वजह से वहाँ पर तो ऑक्सीजन हुआ नहीं, तो उनकी जो लाश है वो सड़ नहीं पाती थी, उसके लिए हवा चाहिए, हवा में उनकी लाश सड़ जाती थी, लेकिन चूँकि उनकी लाशें दब गई तो वो तो सड़ नहीं पाएंगी, तो वो क्या होता था, धीरे धीरे दबते दबते जो ऊपर का लेयर्स का जो प्रेशर है, इतना वेट है, उसकी वजह से वो लोग स्क्वीज़ कर जाती थी उनकी बॉडी, चूँकि वो कार्बन मटेरियल है, वो स्क्वीज़ कर जाती थी, और उसकी वजह, और चूँकि हवा एयर प्रेजेंट नहीं था, तो उसके वजह से एनारोबिक वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाता था, जिसकी वजह से हाई प्रेशर, चूँकि ज़मीन के अंदर जा रहा है तो वहाँ पे हीट भी बन रहा है, चूँकि जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हीट भी जनरेट होगा, तो ड्यू टू हाई हीट एंड हाई प्रेशर, यहाँ देख सकते हैं हीट और प्रेशर की वजह से, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से जो जैसे कि जो जानवर हैं वो कोल या पेट्रोलियम में तब्दील हो जाता था, जैसे कि सी है, मान लीजिए यहाँ पे सी है एग्जांपल दे रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ प्लांट एनिमल्स हैं वो मर गए, तो वो सी के बेड पे चले गए। अब चूंकि वहाँ पे कांस्टेंट सिल्ट डिपोजिशन होता है, जो नदियों से और उड़ते हुए जो हवा पानी होता है, भी गंदगी होती है, वो डूब जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं अक्सर पानी में, तो जैसे यहाँ पे मरी हुई लाश, अगर यहाँ पे कोई एनिमल मरा हुआ है, जैसे ये एनिमल है, इसके ऊपर से सिल्ट आ गया और इसके ऊपर दब गया, तो ये धीरे धीरे दबते गया, मड टर्न इनटू रॉक। अब चूंकि इतना यहाँ पे इसके ऊपर मिट्टी के लगातार लेयर्स बनते जा रहे हैं, तो ये दबते जा रहा है, और चूंकि हवा नहीं मिली तो ये सड़ नहीं पा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे जितना प्रेशर है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो जैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी जो रिमेन्स हैं एनिमल के, वो पूरी तरह से दब जाते हैं, सड़ भी नहीं पाते, जिसकी वजह से स्क्वीज़ कर जाता है, और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से लाखों साल बाद, मैंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद, वो पूरी तरह से रॉ कोल में या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जनरली बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और ये हमेशा जैसे सी में हम लोग को समुद्र में या फिर कहीं ज़मीन में मिलता है, उसका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है वहाँ पे जो तेल करने में। खैर आगे बढ़ते हुए हैं, ज़्यादा लंबा ना इसको खींचते हैं। अब इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, जैसे पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी हम लोग वायु प्रदूषण होता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अक्सर हम लोग सुने, तो ये है। तो कंपोजिशन इज चेंजिंग इन 100 ईयर्स, तो सबसे पहले तो हम लोग पिछले ही लेक्चर में बात की थी कि हम लोग अगर प्रेजेंट जो यूज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर कोल ही जलाते रहें सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, तो हम लोग 86 ईयर्स में ही डबल कर दे रहे थे, जिसको हम मान लेते हैं रफली 80 ईयर्स, तो 100 साल के अंदर तो हम लोग डबल कर दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन, तो वहाँ पे हम लोग का बहुत सीवियर चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब जैसे ऑयल का कंपोजिशन की बात करें, तो सबसे पहले 33% जो है ऑयल में कार्बन होता है, कार्बन परसेंटेज की अगर बात करें, सॉरी यहाँ पे कार्बन परसेंटेज नहीं, यूजेस की बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स, तो अगर हम लोग जैसे कि 500 एक्सा जूल जो एनर्जी है उसका 87% जो आता है सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स से आता है, और बाकी रिमेनिंग 13% जो है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से आता है, तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे हाइड्रो, जैसे डैम से जो आता है, डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 7% होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से 4% होती है, उसमें सोलर और विंड पावर जो है वो सिर्फ 2% कॉन्स्टिट्यूट करती है पूरे वर्ल्ड के एनर्जी का, तो 13% हो गया ऑलमोस्ट। अब 87% जो है फॉसिल फ्यूल्स का होता है, तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, जिसमें कि ऑयल 33% कॉन्स्टिट्यूट करता है, कोल 30% करता है, नेचुरल गैस 24% होता है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑयल जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स या जो हमारी बाइक्स या कार्स है उसको चलाने के लिए यूज़ होता है, कोल जो है जनरली थर्मल पावर प्लांट्स में हीट जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस जो होता है सप्लाई की जाती है जनरली, अगर बात करें तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, जो गैसेस के फॉर्म में होता है, वो जिसको हम लोग जलाते हैं मेनली वही होता है,
इसकी जो सप्लाई होती है बाई पाइपिंग, जैसे कि ठंडे प्रदेशों, जैसे रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे पाइप्स के ज़रिए गैस को सप्लाई किया जाता है, जिससे जला के वहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस की जा सके। ठीक है, ये हमारा टोटल। तो इससे दो कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, यहाँ तक डिस्कशन किया था प्रोफेसर साहब ने, उसके बाद आगे का वो कह रहे कि इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं कि GDP एंड एनर्जी कंजम्पशंस आर सीम्स टू बी क्लोजली लिंक्ड और इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइंडिंग अ क्लीनर सोर्सेस ऑफ एनर्जी टू सेव आवर सेल्फ्स। अब इसका मतलब क्या है, एनर्जी कंजम्पशन और GDP में क्या है? GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका और एनर्जी कंजम्पशन का क्या रिलेशन है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग GDP बढ़ाना है, उसके लिए हम लोग को उतना प्रोडक्शन करना होगा उस पर्टिकुलर एरिया में। तो प्रोडक्शन कब होगा? जब हम लोग एनर्जी कंज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, हम लोग उतना कोल का बनाएंगे, वहाँ के लोग काम करेंगे, जब लोग काम करेंगे उन्हें एनर्जी चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं जितना ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा, उतना ही ज़्यादा GDP बढ़ेगा किसी पर्टिकुलर रीजन का। ये आगे के वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में डिटेल में। उसी तरह सेकेंड है टू इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग द क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जैसा कि हम लोग जान गए, फॉसिल फ्यूल्स काफ़ी एयर पोल्यूशन फैलाते हैं और 87% यूजेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे प्रेजेंट यूजेस का। तो अगर 87% अगर हम लोग कर रहे हैं, और सिर्फ कोल की बात पिछले वीडियो में कहा कि वो काफ़ी 100 साल में ही वो पूरा कॉम्पोजिशन चेंज कर जाता है हवाओं का, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को कोई अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढना चाहिए जिससे हम लोग का निर्भरता जो है ऑयल पे कम हो। हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो 13% है उसको बढ़ा करके एटलीस्ट 50% पे तो कम से कम ला ही सकते हैं अगले 50 सालों में। तो उसके लिए भी हम लोगों को बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, आगे इस बहुत सारा डिस्कशन है। तो अब इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हुए अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का डिस्कशन हम करेंगे। थैंक यू।